गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक दे दिया था और आज क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करवा रहा हूँ। सो दोनों ही अच्छे क्वेश्चन हैं और इन क्वेश्चंस में आप इंटीजर ऑपरेशन और कंपैरिजन का एप्लीकेशन करोगे। सो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9th का एक पार्ट है, इसमें -8 ब्रैकेट में प्लस ब्रैकेट -4 बॉक्स -8 माइनस ब्रैकेट -4। सो इसमें इंटीजर ऑपरेशन का यूज़ करके -8 और ब्रैकेट को ओपन करोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और उसके बाद LHS ये हो गया। RHS को जो आप सॉल्व करोगे तो -8 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 8 -8 और +4। तो जिसमें सेम साइन आ रहे हैं वो ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा -12 और जिसमें डिफरेंट साइन आ रहे हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो हो जाएगा -4। मैंने आपको बताया था जितना नेगेटिव में बड़ा नंबर होगा उतना ही वो छोटा होगा, तो यहाँ पर 12 बड़ा है नेगेटिव में, इस वजह से वो छोटा हो जाएगा, तो हो जाएगा लेस देन का साइन लग जाएगा तो -12 < -4। ऐसे ही आपको सेकेंड ऑप्शन करना है, इसमें 3 इंटीजर हैं और उनका एक साथ ऑपरेशन हो रहा है तो -3 कुछ नहीं, बस आपको ब्रैकेट को ओपन करना है। सबसे पहले -3 को ओपन कर दोगे तो -3 + 7, इसका ब्रैकेट ओपन करोगे तो ± तो -19 हो जाएगा। ब्रैकेट 15 - 8 प्लस ब्रैकेट में माइनस है तो -± हो जाएगा तो -9। उसके बाद जो भी ऐड हो रहे हैं तो -3 और -19 ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा -22 + 7 प्लस में 7 और उधर हो जाएगा 15 - 17। तो 15 - 17 हो जाएगा -2 और इधर हो जाएगा 15 - 17 - 2 - 22 + 7 हो जाएगा -15। -15 छोटा है और -2 बड़ा है तो वहाँ पर लेस देन का साइन लग जाएगा, -15 < -2। तो आई थिंक ABCDE पार्ट आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आते हैं इस एक्सरसाइज का काफ़ी इस ABCDE पार्ट, यस इसमें 5 पार्ट है टोटल। तो ये 5 पार्ट आप पूरा सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करोगे और स्टेप बाय स्टेप, डायरेक्ट करने की कोशिश नहीं करोगे, डायरेक्ट आंसर नहीं कोई देगा, स्टेप बाय स्टेप पहले ब्रैकेट को ओपन किया फिर मल्टीप्लाई किया साइन का, ऐसे करके आप उसमें LHS और RHS को सॉल्व करके उस बॉक्स में फिर जो ग्रेटर होगा लेस होगा उसके अकॉर्डिंग उसका साइन लगाओगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा क्वेश्चन है, इसमें जो क्वेश्चन का आंसर है वो पूरा लैंग्वेज में ही छुपा हुआ है। आते हैं, वाटर टैंक हैज़ स्टेप्स इनसाइड इट, हिंदी में बताता जा रहा हूँ समझ लीजिएगा। एक वाटर टैंक है जिसमें जो इसके स्टेप्स हैं उसके अंदर हैं, इससे आदमी नीचे जाता है ऊपर आता है और ए मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, एक मंकी है वो उस वाटर टैंक के टॉप मोस्ट स्टेप पे बैठा हुआ है। आई रोटी मीन्स द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। सो द वाटर लेवल इज़ एट द 9th स्टेप, टॉप मोस्ट स्टेप पे बैठा हुआ है और जो वाटर लेवल है वो 9th स्टेप पे है, ठीक है। ही जम्प्स 3 स्टेप डाउन, मीन्स अब उसको चाहिए कि वो जा रहा है नीचे, तो उसके लिए कैसे वो नीचे जा रहा है उसका प्रोसीजर बताया गया है। ही जम्प्स 3 स्टेप डाउन, पहले तो वो 3 स्टेप डाउन जाता है 1 2 3 एंड देन जम्प्स बैक 2 स्टेप अप, फिर वो ऊपर साइड 2 स्टेप आता है, मीन्स थोड़ा सा नॉटी टाइप का है उनकी, और ये पहले नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा, ऐसे स्टेप बाई स्टेप कभी ना कभी ये 9th स्टेप पे पहुंच जाएगा, फिर वहाँ पर वाटर टैंक करेगा। देन हाउ मैनी जम्प्स विल ही रीच द वाटर लेवल, ठीक है। तो सब प्रोसीजर समझ में आ गया होगा कैसे जा रहा है, ये पहले 3 स्टेप नीचे फिर घूम करके
टू स्टेप अप, फिर थ्री स्टेप नीचे, फिर घूम करके टू स्टेप अप। इसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन, आपसे पूछ रहा है आफ्टर ड्रिंकिंग द वाटर ही वांट्स टू गो बैक, फॉर दिस ही जंप्स फोर स्टेप अप एंड देन जंप बैक टू स्टेप डाउन इन एवरी मूव। तो जाने के लिए इसने थ्री स्टेप डाउन करा और टू स्टेप अप करा, बट ऊपर आने के लिए अब इसने फोर स्टेप अप करा और टू स्टेप डाउन करा। अभी सोच रहा जल्दी पहुंच जाए, इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच बैक द टॉप स्टेप। तो ऐसे करके ये कैसे टॉप स्टेप में, कितने स्टेप में पहुंच जाएगा, कितनी जंप में पहुंच जाएगा, और सारी जंप काउंट होंगी, ऊपर वाली भी, अप वाली भी और डाउन वाली भी, सारी जंप मीन्स पहले जब नीचे जा रहा है तब भी और जब ऊपर आ रहा है तब भी, सारी जंप काउंट करके कितने टोटल जंप होंगी ताकि ये टॉप मोस्ट स्टेप पर पहुँच जाए, ताकि ये वाटर लेवल पर पहुँच जाए। दोनों ही क्वेश्चन में यही क्वेश्चन किया गया, इफ़ द नंबर ऑफ द स्टेप मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाई नेगेटिव इंटीजर। अगर डाउन जा रहा है तो इसे नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एंड द नंबर ऑफ स्टेप मूव अप बाई द पॉजिटिव इंटीजर रिप्रेजेंट हिज मूव इन पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड बाई कम्प्लीटिंग द फॉलोइंग। मीन्स यही से बात है, जब नीचे जा रहा है तो ऊपर जब टॉप मोस्ट स्टेप पे था तो नीचे जा रहा था तो इसने बोला है कि डाउनवर्ड जाने के लिए माइनस नेगेटिव इंटीजर का यूज़ करोगे, और अपवर्ड आ रहा है तो पॉजिटिव इंटीजर का यूज़ करोगे। तो इस ए पार्ट को आपको फिलअप करना है, माइनस थ्री प्लस टू, फिर माइनस थ्री प्लस टू, माइनस थ्री प्लस टू, तो एक ऐसा स्टेप आएगा जब माइनस थ्री प्लस टू रुक जाएगा और वो नाइन्थ स्टेप पर पहुँच जाएगा, और इसको सॉल्व करने पर आंसर आना चाहिए माइनस एट। ठीक है, सो नेक्स्ट आप देखो, इन्होंने प्रोसीजर भी पूरा बता दिया है। पहला है द पोजीशन ऑफ मंकी आफ्टर द, कैसे वाटर लेवल में पहुंचा। देखिए फर्स्ट स्टेप में जंप वन, जंप वन में देखिए ऊपर है जो डाउनवर्ड जा रही है वो जंप जे वन ऊपर है, और जो अपवर्ड जा रहा है वो नीचे है। देखिए आप गौर से, तो वन टू थ्री, तो जंप वन पे कहाँ पर फोर स्टेप पर पहुंच गया, और फिर फोर स्टेप से देखिए जे टू पे गया टू स्टेप पे, ओके सो वन टू, फिर फोर स्टेप से गया ये कहाँ पर फोर स्टेप पे, फिर जे थ्री पे गया, जे थ्री से के थ्रू गया और कहाँ पे गया जे फाइव पे पहुंच गया। ठीक है, और सॉरी जे फाइव पे कह रहे हैं, ये आपका वन स्टेप जे वन, और फिर ये आपका गया जे, यहाँ से फिर सेकंड स्टेप पे मूव हुआ, सेकंड स्टेप से मूव हुआ, और सेकंड क्योंकि जे टू से के थ्रू ये पहुँच गया था कहाँ पर सेकंड स्टेप पे, अब फिर उसके बाद ये मूव हो गया कहाँ पर फाइव फिफ्थ स्टेप पे, फिफ्थ स्टेप से देखिए फिर मूव हो रहा है कहाँ पर थर्ड स्टेप पे, फिर थर्ड स्टेप से फिर मूव हो गया कहाँ पर ये सिक्स स्टेप पे, सिक्स स्टेप से फिर कहाँ मूव हो गया ये फोर्थ स्टेप पे, और फिर फोर्थ स्टेप से कहाँ मूव हो गया सेवन स्टेप पे, सेवन स्टेप से फिर मूव हो गया फाइव स्टेप पे, फिर फाइव स्टेप से कहाँ हो गया एट स्टेप पे, एट स्टेप से कहाँ हो गया ये सिक्स स्टेप पे, सिक्स स्टेप से नाइन स्टेप पे आ गया। देखिए और टोटल देखिए जे वन जे टू जे थ्री जे फोर जे फाइव जे सिक्स जे सेवन जे एट जे नाइन और जे टेन टोटल इसने, और फिर जे इलेवन जब सिक्स से नाइन पे आया तो जे इलेवन मीन्स टोटल जंप कितनी हो गई इसकी अलेवन जंप। तो इसमें देखो दिखाया गया फर्स्ट स्टेप हम जे वन इज़ एट फोर्थ स्टेप, सेकंड जंप जे टू इज़ एट अपवर्ड गया सेकंड स्टेप, थर्ड जंप जे थ्री इज़ एट फिफ्थ स्टेप डाउनवर्ड जा रहा है, फोर्थ जंप जे फोर इज़ एट थर्ड स्टेप, फिफ्थ जंप जे फाइव इज़ एट सिक्स स्टेप, सिक्स जंप जे सिक्स इज़ एट फोर्थ स्टेप, सेवन जंप जे सेवन इज़ एट सेवन्थ स्टेप, एट जंप जे एट इज़ एट फिफ्थ स्टेप अपवर्ड गया, नाइन्थ जंप जे नाइन इज़ एट एट्थ स्टेप, फाइव से देखिए थ्री पे आया थ्री जंप डाउनवर्ड आया तो एट स्टेप पे आ गया, टेन जंप जे टेन इज़ एट सिक्स स्टेप, अलेवन जंप जे अलेवन इज़ एट नाइन्थ स्टेप वाटर लेवल पहुँच गया, हैंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जंप इज अलेवन। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, सेकंड जो पार्ट है उसमें फाइव जंप का रिक्वायरमेंट होगा, फाइव जंप का कैसा रिक्वायरमेंट होगा जे, इसमें फर्स्ट जंप जो जे वन इज़ एट फिफ्थ स्टेप पे चली जाएगी, देखिए
नाइन से चलोगे तो 9, 8, 7, 6 और 5, फिर डाउनवर्ड जा रहा है टू स्टेप तो कहाँ चला जाएगा, 6 और 7, फिर उसके बाद 7 से कहाँ जाएगा, 7, 6, 5, 4, 3, टोटल कितने जंप हो गए, 3, उसके बाद 3 से कहाँ जाएगा, 4, 5, टोटल कितनी जंप हो गई, 4, फिर उसके बाद 4 से कहाँ जाएगा, 5 से कहाँ जाएगा, 4, 3, 2, 1, तो टोटल स्टेप कितने हो गए, 5 जंप हो गई इसकी और फर्स्ट स्टेप पे आ गया ये। तो जो सेकंड वाला क्वेश्चन था, जब वाटर लेवल से इसको टॉप मोस्ट पे जाना था, तो इसने टोटल 5 जंप करेगा तो ये टॉप मोस्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। उसके बाद ये जो है आपका डाउनवर्ड अपवर्ड, डाउनवर्ड अपवर्ड, डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड के लिए -3, अपवर्ड के लिए +2, डाउनवर्ड के लिए -3, ऐसे करके आप एक सीरीज बनाओगे, जो ये देखिए यहाँ पर सीरीज बनी हुई है। देयरफॉर ए टोटल नंबर ऑफ जंप, पहले के लिए टोटल नंबर ऑफ जंप -3, +2, -3, +2, ऐसे करके टोटल 11 जंप हो गई। और 11 जंप होने के बाद इसको जब आप सॉल्व करोगे बाय यूजिंग द इंटीजर ऑपरेशन, माइनस माइनस वालों को सबको ऐड कर दो, प्लस प्लस वालों को ऐड कर दो, और फिर जो अपोजिट साइन आएगा उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो -8 आ जाएगा आंसर। इसी के तरीके अब ये जो ऊपर लिखा हुआ है सबसे टॉप मोस्ट पे देखिए, फर्स्ट जंप J1 इज एट 5th स्टेप, तो ऊपर के लिए आपका क्या पॉजिटिव साइन, और नहीं तो ऊपर के लिए जा रहे तो +4, -2, +4, -2, +4, -2, +4, -2, +4, -2, +4, और इसको जो आप इंटीजर की हेल्प से सॉल्व करोगे तो 4, 4, 8, 4, 12, और -4 कितना हो जाएगा, +8। तो आपको यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में +8 लाना भी था। देखिए 4, -2, देखिए बी लास्ट में सबसे देखिए 4, -2, +, और फिर ब्लैंक, तो 4, +4, -2 और +4, इसको जब सॉल्व करोगे तो 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट मैं दोनों ही क्वेश्चन का भेज देता हूँ। आज के लिए इतना ही, और नीट एंड क्लियर राइटिंग में वर्क करिएगा, एलिब्रेट करिएगा हर क्वेश्चन को, और फिगर भी बना सकते हैं अच्छा रहेगा, और जितने ही पार्ट हैं उनको नीट एंड क्लियर तरीके से करिएगा। जो भी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है, आई विल सेंड द सॉल्यूशन आफ्टर 3 PM। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, हैव अ नाइस डे।